नमस्कार स्टूडेंट्स, आज जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे हम। टॉपिक है इंटीग्रेशन, लेकिन ये जेई के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उतने ही इम्पॉर्टेंट ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी है। बोर्ड के लिए भी आप इनको करके लेके जाइएगा, मतलब आने वाले सालों में ये कभी भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ई द पावर 3 लॉग 2x प्लस 5 ई द पावर 2 लॉग 2x e द पावर 4 log x प्लस 5 e द पावर 3 log x माइनस 7 e द पावर 2 log x। log का जो बेस है वो e दे रखा है, ठीक है, e बेस में ये log दिया हुआ है और ये चार ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका रिजल्ट कौन सा करेक्ट होगा वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। log की कौन सी प्रॉपर्टी, m log n अगर लिखा हो स्टूडेंट्स, m log n लिखा हो विद बेस e, तो हम इसको लिख सकते हैं log n की पावर में m, ठीक है। ये m कहां चले जाता है, n की पावर में चले जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e द पावर log e 2x, 3 चले जाएगा 2x की पावर में, तो 3 यहां गया, ऐसा नहीं करना है आपने, होल पावर, क्लियर है, ओके। प्लस 5 कांस्टेंट है। अब यहां पे देखिए e 2 कहां चले जाएगा, 2x की पावर में, तो log e बेस 2x की पावर में ये वाला 2 चला गया, ये यहां अपॉन e द पावर log e x की पावर में कौन चले जाएगा, 4 चले जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, ई द पावर लॉग ई बेस एक्स, एक्स की पावर में ये 3 चले जाएगा, माइनस 7 ई द पावर लॉग ई बेस एक्स, एक्स की पावर में ये 2 चला जाएगा, क्लियर है, और dx तो चल ही रहा है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स ई द पावर लॉग ई, e द पावर log e क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 आती है। e द पावर log e लिखा हो तो ये 1 होता है, तो यहां से देखो e द पावर log e कैंसिल, और e द पावर log e कैंसिल, यहां e द पावर log e कैंसिल, e द पावर log e कैंसिल, e द पावर log e कैंसिल, तो क्या क्या बचेगा, देखो हमने कैंसिल शो नहीं करना है, ठीक है, आपको ये बस पता होना चाहिए कि कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, e द पावर log e तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2x की पावर 3, ठीक है, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, e और log e कैंसिल आउट, क्या बचा, ठीक है, ये यहां चले जाएगा, ये पावर में नहीं रहेगा, ये तो पावर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो 2x की होल पावर 2 बचेगा, ठीक है, ये सभी n2 में ही थे, तो ये n2 में ही है, अपॉन ऐसे ही e log e कैंसिल, x की पावर 4 बचा, प्लस 5 e log e कैंसिल, x क्यूब बचा, माइनस 7 e log e कैंसिल, x स्क्वायर बचा, dx तो चली रहा है, ठीक है। तो यहां देखो इंटीग्रेशन 2 की पावर 3 8 x क्यूब प्लस प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 और x का स्क्वायर अपॉन यहां x की पावर 4 एज इट इज। एक काम करते हैं यहां से, क्या मैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म में 5x और लास्ट टर्म में माइनस 7 ओनली ब्रैकेट क्लोज और dx। देखो न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लो कुछ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो न्यूमरेटर से जो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा वो डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा इंटीग्रेशन, और हमारे पास बचेगा, देखो मैं 4 भी कॉमन ले रहा हूँ भैया, मैं ले रहा हूँ 4 भी कॉमन, ठीक है, 4 हाँ 4 हाँ 4 कॉमन लेते हैं, देखो 4 कॉमन ले लिया, बाहर रख लिया मैंने, और एक्स स्क्वायर भी कॉमन लिया था, तो मेरे पास बचा केवल 2x प्लस यहाँ 4 कॉमन लिया था तो 5 बचा और एक्स स्क्वायर तो पूरा कॉमन आ गया था। डिनोमिनेटर में क्या बचा, देखो डिनोमिनेटर, देखो एक्स स्क्वायर जो न्यूमिनेटर से कॉमन लिया था डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर केवल बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और dx, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चेक कर लो यार, इसको t ले लो, अगर देखो दिखने लगी आंसर, आंसर में पता चल गया क्या आने वाला है, देखो अगर मैं इसको t ले लेता हूं
इसको हमने क्या ले लिया, t लेट कर लिया, तो डी बाई डी एक्स करो, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया, तो 4 ऐसी रहा, 2x प्लस 5 dx, 2x प्लस 5 dx की वैल्यू क्या, dt रख दी, अपॉन डिनोमिनेटर टर्म को तो मैंने t लिया था, तो क्या बन गया, देखो स्टूडेंट्स 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t क्या होता है, log t होता है, log t मतलब log e बेस t है, हाँ e बेस t है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट 4 log e बेस e में चल रहा है, e बेस e में चल रहा है टी, टी को क्या माना था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस कांस्टेंट सी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जेई 2015 में आया हुआ है, जेई मेंस 2015 में, ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करा था स्टूडेंट्स वो भी आपका जेई 2021 में आया था, क्लियर है, मैंने यहां पे लिखा नहीं था लेकिन वो जेई 2021 में आया था, ये वाला क्वेश्चन जेई 2015 में आया हुआ है, जेई मेंस में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 इंटू dx, और ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से जो भी सही होगा हम वो टिक करेंगे, और ये लास्ट ऑप्शन जो है मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है नन ऑफ दीज, एन ओ टी नॉट मतलब नन ऑफ दीज मतलब है, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कुछ पावर्स होती हैं, पावर की इसकी होल पावर में कुछ पावर होती है, तो हम ऐसा मतलब ऐसा कुछ कॉमन लेते हैं जो बिगेस्ट वेरिएबल की पावर हो, जैसे यहां देखो सबसे बड़े वेरिएबल की पावर है यहां पे 4, तो मैं एक्स की पावर 4 को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, बाहर निकाल रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन देखते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, मैंने एक्स की पावर 4 अगर बाहर निकाला स्टूडेंट्स, देखो इन दोनों में से एक्स की पावर 4 बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन वो अपनी पावर, देखो ये जो 3/4 है पावर, ये एक्स की तो है, तो जब अगर x को हम बाहर निकाल रहे हैं तो अपनी पावर 3/4 लेके तो बाहर आएगा वो, तो x की पावर 4 तो बाहर आ रहा है, लेकिन इसके साथ कौन सी पावर चल रही है, इसकी होल पावर 3/4 भी तो चल रही है, तो 3/4 लेके बाहर आएगा, ठीक है ना, ओके, अंदर क्या बचेगा बताना, ब्रैकेट के अंदर, यहां तो x की पावर 4 बाहर आया था, है ना, पावर लेके, तो यहां तो बन गया भाई, बच गया 1 प्लस, और यहां यहां था ही नहीं, तो इसको हम डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 करते हैं, ये पता होगा आपको, ठीक है ना, आप चेक कर लेना इसको, जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म बनेगी, ठीक है, और होल पावर मैंने नहीं लगाई है, तो होल पावर 3/4 तो चल ही रहा है, देख लो आप, ठीक है, तो जो भी हमने बाहर निकाला वो अपनी पावर 3/4 लेके भी बाहर आएगा, तो क्या बचा रिजल्ट, देखो भैया 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, एक डिनोमिनेटर में था, एक न्यूमरेटर था, कैंसिल आउट हो गया, ओके, तो क्या बचा यहां पे बताना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, टोटल एक्स की पावर 5 बचा, 2 प्लस 3 5 हो गया, पावर तो प्लस हो जाती है, बेसिस सेम होता है, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो गई, ओके, अब यहां क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4 बचा, बस ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, दिखाई देने लगा इसका आंसर, कैसे यार, अगर आप स्टूडेंट्स इसको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को अगर इसको t मान लो, तो इसी का डी बाई डी एक्स हमें यहां दिख रहा है, हो गया इसका तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा बताओ, सबसे पहले ये ऊपर चले जाएगा, है ना, इस टाइप से जाएगा, ठीक है, ओके, मतलब अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो अभी थोड़ा सही कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख दिया, इज इक्वल टू टी चल ही रहा है, ठीक है, अब डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, इसका 0 हो गया, और इसका एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देना, एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए है वैल्यू, मुझे चाहिए है डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, तो देखो डी एक्स एक्स की पावर माइनस 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, एक्स की पावर प्लस 5 हो गया, ठीक है, ये माइनस 4 को मैं डी टी के नीचे लेके जा रहा हूं, डी टी के जब नीचे लेके गया तो क्या है, डी टी बाय माइनस 4, ये तो ये रिजल्ट यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देख लो
वन इंटू डीएक्स तो डीएक्स ही होता है ना, वन इंटू डीएक्स तो क्या होता है, डीएक्स ही होता है, यहाँ पर ऐसा लिख लो। तो डीएक्स अपॉन एक्स की पावर फाइव आ रहा है ना, तो डीएक्स अपॉन एक्स की पावर फाइव को डी टी बाय माइनस फोर लिख सकते हैं, डी टी बाय माइनस फोर, माइनस फोर डिनोमिनेटर में है तो मैंने वो माइनस फोर को बाहर भी निकाल लिया, ये है ना डिनोमिनेटर में लिखा है। और क्या बचा देखो, केवल ये टर्म बची थी और इसको मैंने टी माना था, टी माना था और पावर क्या चल रही है, थ्री बाय फोर, बस हो गया, ये आंसर आ गया। देखो माइनस वन बाय फोर इंटीग्रेशन, इसको पहले ऊपर लेके जाओ, टी की पावर माइनस थ्री बाय फोर और डी टी चल ही रहा है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी की पावर माइनस थ्री बाय फोर प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाय फोर प्लस वन, ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट। ले लो एलसीएम जल्दी से, कितना आया माइनस वन बाय फोर तो बाहर ही है, एलसीएम ले लो भैया, टी की पावर वन बाय फोर आ गया है अपॉन वन बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है तो माइनस वन बाय फोर तो बाहर ही रहा, ये ऊपर चला जाएगा सबसे टॉप में, तो ये इंटू फोर आ गया और टी की पावर वन बाय फोर चली रहा है प्लस सी चली रहा है, देखो फोर से फोर उड़ गया तो क्या बचा, माइनस टी की पावर वन बाय फोर प्लस सी, माइनस टी को क्या माना था मैंने, टी को माना था वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर है ना, और टी की पावर ये टी को तो ये रख दिया मैंने और वन बाय फोर तो चली रहा है प्लस सी। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप देख लो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जेई मेंस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोलता है इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, चार ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़े से लंबे से हैं तो मैंने लिखे नहीं है, ठीक है तो इनकी वैल्यू, इसका आंसर निकालना है हमने, इसका रिजल्ट निकालना है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, तो हम क्या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं वन बाय रूट टू से, ठीक है वन बाय रूट टू से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे देखना बहुत ध्यान से, वन बाय रूट टू से डिवाइड कर रहा हूं, कहां डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पार्ट में, यहां देखो एक्चुअली ऐसे समझो, आप ऐसे समझो मैं रूट टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रूट टू से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे समझ लो, ठीक है रूट टू से डिवाइड, रूट टू से मैंने मल्टीप्लाई करा, कहां डिनोमिनेटर में, ठीक है रूट टू से डिवाइड करा, रूट टू से मल्टीप्लाई करा, कहां डिनोमिनेटर पार्ट में केवल, ठीक है तो देखते हैं क्या फायदा होगा भाई, ये वाला रूट टू देखो, ये तो भैया बाहर निकाल दिया मैंने, बाहर निकल गया, ठीक है ये वाला बाहर निकल गया, ओके जो कॉस एक्स के नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर में है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के डिनोमिनेटर पर रूट टू है ना, उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बनेगा बताना, हाँ मैं ऐसा लिखता हूं इसको, कॉस एक्स इंटू वन बाय रूट टू, देखो इस वाले को भैया ये तो बाहर निकाल दिया मैंने, ये तो बाहर निकाल दिया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो फिर माइनस साइन एक्स के साथ भी क्या वन बाय रूट टू मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ऐसा कर दिया, ओके अभी पता चलेगा रूट टू से ही क्यों करा, क्योंकि मैं एक चाह रहा हूं फॉर्मूला बनाना है ना, एक फॉर्मूला बनाएंगे हम, ओके अब मुझे ये बताना यार ये रूट टू को क्या लिख सकता हूं मैं क्या इस रूट टू को कॉस पाई बाय फोर लिख सकता हूं, इसलिए ऐसा करा, देखो स्टूडेंट्स ये मैच भी करके देखो, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है वन बाय रूट टू, माइनस साइन एक्स तो ऐसी रहा, साइन के बगल में इसको भी साइन में बना देंगे, बदल देंगे, वन अपॉन रूट टू को क्या लिख सकता हूं मैं साइन पाई बाय फोर, क्योंकि साइन पाई बाय फोर की वैल्यू भी क्या होती है वन बाय रूट टू होती है। अब यार अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा हो, अगर ये फॉर्मूला याद आ रहा हो, ये देखो कौन सा फॉर्मूला बताना मुझे, कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी, ये होता ही नहीं होता है, ठीक है। अब देख लो, यही तो बनाया मैंने, चेक करो, कॉस इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा इसका, हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, तो वन बाय रूट टू, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, इस फॉर्मूले का ये रिजल्ट है, डीएक्स नहीं रहा, इसका रिजल्ट जो है कॉस ए प्लस बी है, मतलब ए मतलब हमने क्या माना था, ए एक्स माना था और बी क्या माना था पाई बाय फोर, ए मतलब एक्स बी क्या पाई बाय फोर, ठीक है, यहां पहुंच गए हम। ओके बढ़ते हैं आगे, अब तो लीनियर बन गया तो हो जाएगा यार, वन बाय रूट टू तो बाहर चली रहा है, इंटीग्रेशन इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, तो रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन कॉस क्या होगा सेक, सेक एक्स क्या है एक्स प्लस पाई बाय फोर डीएक्स, ठीक है। तो बताओ यार स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट जानते हो नहीं जानते हो, इसका आंसर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स क्या होता है बताओ, लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी, होता नहीं होता है, बस आ गया आंसर, वन बाय रूट टू ऐसी रखा, ब्रैकेट लगा दो, लॉग सेक एक्स मतलब बिल्कुल यही रिजल्ट, सेक एक्स क्या है एक्स प्लस पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स, टेन एक्स क्या है एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चार जो ऑप्शन थे इतने बड़े बड़े थे इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, इसका फाइनल रिजल्ट हो चुका, ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जेई मेंस 2007 में आया हुआ है, बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस एक्स प्लस रूट थ्री साइन एक्स डीएक्स, इसका रिजल्ट हमें निकालना है, ठीक है, क्या रिजल्ट है वो निकालना है, क्वेश्चन मार्क चार ऑप्शन दे रखे थे, थोड़े से बड़े थे इसलिए मैंने लिखे नहीं है, ठीक है, चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको कंपटीशन में, तो ऑप्शंस मिलते हैं। ओके तो इसका रिजल्ट निकालते हैं हम, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह ही ट्राई करेंगे हम इसको, थोड़ा सा मतलब पूरा मेथड वही है। देखो भाई, अगर यहां रूट थ्री नहीं होता ना तो मैं फिर से वही करने वाला था कि डिनोमिनेटर पार्ट में रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड, लेकिन यहां पर रूट थ्री आ गया है, ठीक है, तो अब क्या करने वाला है, तो जब कभी भी दोनों में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रूट थ्री आ जाए तो भैया टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करोगे, भी पता लग जाएगा क्यों, तो डिनोमिनेटर पार्ट में देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किससे टू से, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू से ही डिवाइड कर रहे हैं, कहां डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, कोड वर्ड्स लिख करके समझ लेना आप लोग, तो डिनोमिनेटर में टू से मैंने मल्टीप्लाई करा और टू से ही डिवाइड कर दिया, देख लो रूट टू से क्यों नहीं करा भी पता लगेगा, हाँ आपको टेंशन मत लो, उसको भी बताएंगे कि रूट टू से नहीं क्यों नहीं करा इस बार, तो देखो इसको तो ये वाले टू को तो मैं बाहर खींच रहा हूं, इसको तो बाहर भेज दिया, और जो नीचे वाला रूट ये जो टू है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वन इंटू डीएक्स को भी डीएक्स कह देते हैं, तो देखो कॉस एक्स इंटू वन बाई टू, ठीक है, प्लस साइन एक्स, ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू, ये तो रूट थ्री के नीचे जाएगा ना, रूट थ्री बाय टू, ऐसा कर आओ, देख लो यार खुद ही, मैंने रूट टू से, अगर मैं रूट टू से करता ना तो यहां तो चलो ठीक है वन बाय रूट टू आता, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका रिजल्ट पता होता है हमें, है ना, कॉस 45 ये साइन 45, और जब यहां करता तो यहां क्या आता रूट थ्री बाय रूट टू आ जाता, रूट थ्री बाय रूट टू तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब तो कोई वैल्यू होती नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या होती है लेकिन रूट थ्री बाय टू तो होती है ना, तो ये चाहिए था मुझे रूट थ्री बाय टू चाहिए था, यहां भी वैल्यू मिलती है ना साइन 60 पे होती है और ये वन बाय टू भी होती है कॉस में, ठीक है, तो इसलिए मैंने टू से करा, तो वन बाय टू ऐसी रखा, अब करते हैं स्टार्ट, देखो कॉस एक्स ऐसी रखा है स्टूडेंट्स,
तो 1 बाय टू बताओ, 1 बाय टू कहां पे होता है कॉस? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर क्या होता है 1 बाय टू, ऐसे ही साइन एक्स ऐसी रखा, रूट थ्री बाय टू कहां पे होता है अब देख लेते हैं, रूट थ्री बाय टू मैं ऐसे लिखता हूं साइन, अगर मैं यहां पे पाई बाय फोर लिखता हूं तो गलत हो जाएगा है ना, तो यहां पे देखो रूट थ्री बाय टू तो साइन होता है ना या फिर कॉस होता है, तो लेकिन वो कहां होता है पाई बाय सिक्स पे होता है, अगर मैं पाई बाय सिक्स लिख देता हूं आपको सर ये पाई बाय सिक्स होता है सॉरी पाई बाय थ्री, लेकिन ये मैच ही नहीं कर रहा, देखो ये मैच ही नहीं कर रहा है ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो देखो, अब मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको कॉस बनाऊंगा, अब इसको कॉस बनाने की कोशिश करता हूं, कॉस में कहां होता है बताओ पाई बाय सिक्स पे होता है ठीक है ओके, अब यहां भी पाई बाय सिक्स बनाऊंगा फिर मैं, अगर बनता है तो देखो वन बाय टू को मैं लिखता हूं साइन पाई बाय सिक्स, ये देखो साइन पाई बाय सिक्स वन बाय टू होता है और रूट थ्री बाय टू कॉस क्या होता है पाई बाय सिक्स ठीक है, यही बना बनेगा नहीं तो और कुछ बन ही नहीं सकता, मैच भी करना चाहिए ना तभी तो, अगर एक ए होगा दूसरा बी होगा, यहां पे भी देखो फिर सिमिलरिटी आ गई, ये ए हो गया ये बी हो गया है ना, सिमिलरिटी आ रही, जो यहां है वो यहां भी है ठीक है ना ओके, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास, ये बन गया भैया साइन ए प्लस बी का, ध्यान से देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ना, ये देखो कैसे रीड कर लो यार, कैसे भी रीड कर लो, ऐसे रीड कर लो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ना, आगे पीछे कर रखा है उसे कोई टेंशन नहीं, तो क्या बचेगा वन बाय टू तो बाहर ही था, डीएक्स अपॉन इसका रिजल्ट क्या आया साइन, इसका ये यही तो है, इसका रिजल्ट है साइन ए प्लस बी, ए क्या माना है मैंने एक्स, बी क्या माना है पाई बाय सिक्स, पलट दो यार इसको, तो वन बाय टू इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक एक्स, एक्स क्या है एक्स प्लस पाई बाय सिक्स, तो मुझे बता दो यार इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, लिख लेते हैं पहले यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, लिखो भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी ठीक है, तो आगे आंसर देखो वन बाय टू ऐसे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है लॉग वन बाय टू ऐसे रखा लॉग मॉड लगा लो कॉसेक एक्स, एक्स कौन था एक्स प्लस पाई बाय सिक्स माइनस कॉट एक्स कौन था एक्स प्लस पाई बाय सिक्स मॉड क्लोज प्लस सी ठीक है, तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है, चार ऑप्शंस इतने बड़े बड़े दे रखे थे इसलिए लिखे नहीं है ना, इसको नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जेई मेंस 2005 में आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर टू इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके चार ऑप्शन है छोटे छोटे से तो मैंने यहां पर लिख रखे हैं, देखते हैं कौन सा रिजल्ट सही आता है इसका, तो क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में सिंपल है, मैं क्या करूंगा यार मैं log x को अगर t लेता हूं, देखो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में, log x को मैंने ले लिया t ठीक है ओके, तो बहुत सारे बच्चे में परेशानी ये होती है कि log x को तो t लिया, अगर मैं इसका d by dx करता हूं तो 1 upon x आता है, लेकिन 1 upon x तो कहीं पर है ही नहीं, तो इसका मतलब है टी लेना तो बनता ही नहीं है, है ना, कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि इसका डी बाय डी एक्स यहाँ पे मौजूद तो है ही नहीं तो टी हमने क्यों लिया, लेकिन देखो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन में बहुत सारी क्लियरिटी आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी, तो लॉग एक्स को मैंने टी लिया, फायदा क्या हुआ इससे यार, इससे फायदा यह हुआ कि मैं इस लॉग एक्स को ई में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे बताना, अगर मैं यहां से स्टूडेंट्स मैं यहां से लॉग को रिमूव करता हूं और ई लेके आऊंगा, काम करता हूं
मैं अगर यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो लॉग तो हट जाएगा और यहां क्या आएगा, यहां से लॉग हटेगा और यहां क्या आ जाएगा, देखो इधर से लॉग गायब करा और इधर लेके आ गए e, और जो जो भी टर्म यहां रहती है वो कहां चले जाती है, e की पावर में। ठीक है, एक रिजल्ट ये मुझे नया मिला, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी का dy dx करता हूं, मैं dx by dt करता हूं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। dx by dt e द पावर t का, तो e द पावर t आता है, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, e द पावर t इंटू dt, एक रिजल्ट ये मिला मुझे। देखते हैं कहां कहां इसका यूज यहां हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई log x को मैंने t माना था उसको रखते हैं, log x को मैंने माना था t, इसको रख दिया, माइनस वन अपॉन वन प्लस log x को t माना था और स्क्वायर है तो ये कर दिया, और ब्रैकेट अगर आप ध्यान से देखो इसका होल स्क्वायर भी, और यहां पे क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, और dx को क्या रखेंगे हम, यहां जो dx है उसको क्या रखेंगे, e द पावर t dt रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, देखो e द पावर t dt। अब चेक करो आप, पूरी की पूरी की पूरी टर्म t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है, इसका मतलब जो भी हमने ये माना था, जो भी हमने ये माना था, पुट करा था, वो बिल्कुल सही करा था। ठीक है, ओके, और आंसर में भी देख लीजिए, e द पावर में भी एक है ऑप्शन, देखते हैं फिर क्या मिलता है। ठीक है, e द पावर में भी एक ऑप्शन है, तो इंटीग्रेशन अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, हाँ तो अब क्या कर सकते हैं हम, मैं इसको स्प्लिट करता हूं यार, और कर ही कह सकते हैं, t माइनस वन का होल स्क्वायर, t माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ये होल पावर को स्प्लिट कर दिया इसके साथ भी और इसके साथ भी, और e द पावर t चली रहा है, dt चली रहा है। अब इसको फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं डिनोमिनेटर, देखो एक बार t के साथ, ठीक है, t के साथ हम क्या लेते हैं, t प्लस वन का होल स्क्वायर, कुछ गलती करी क्या हमने, t माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, t माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन वन प्लस t का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे रखा, और e द पावर t तो चली रहा है, dt भी चली रहा है। अब e द पावर t को ब्रैकेट में रख लो क्योंकि ये सबके साथ है ना। अच्छा, अब देखो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन के साथ मैंने इसको स्प्लिट करा डिनोमिनेटर पार्ट को, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आगे पीछे लिख के, यहाँ पे लिख दिया इसको ना, टी स्क्वायर को आगे वन को पीछे लिख के इसके साथ लिख दिया, और माइनस टू टी के साथ भी टी स्क्वायर प्लस वन को लिख दिया विद होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर से देख लो आप लोग क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, ई द पावर टी डी टी चल ही रहा है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो यार, क्या ये कैंसिल हो रहा है, देखो एक पार्ट बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, दो सेम थे ना, एक पार्ट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा, यहां पे लिखते हैं, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, देन माइनस माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और बाहर से क्या चल रहा है, e द पावर टी टी टी। ठीक है, तो अब देखो यार, अगर मैं इसको टी मान लेता हूं, देखते हैं, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं कुछ मानता हूं, लेट से मानता हूं थ्रीटा, क्या मान लेता हूं थ्रीटा, देखते हैं इसका dy dx अगर यही बन गया तो एक आइडेंटिटी होती है वो यूज करने वाले हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन की होल पावर माइनस वन इज इक्वल टू थ्रीटा, इसमें डीवाई डी एक्स करो तो क्या आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन डी टी इज इक्वल टू डी थ्रीटा, ये पता है आपको, तो यहां से स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आया, माइनस डी टी अपॉन, अच्छा चेन रूल तो लगाया नहीं, चेन रूल ये आया, चेन रूल इसका क्या आ जाएगा, टू टी भी आ जाएगा और dt, ठीक है, चेन रूल भी लगा दिया। अब फिर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं,
माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन की होल पावर प्लस टू। अच्छा न्यूमरेटर में क्या था, टू टी चली रहा है, डी टी चली रहा है, इज इक्वल टू डी थीटा चली रहा है। ठीक है, अब आप खुद ही चेक कर लो यार, खुद ही चेक करो क्या यही रिजल्ट तो आ रहा है। ये देखो, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है ना, देखो चेक करो अलोंग विद माइनस साइन, है ना, पूरा डी टी भी है, ये डी टी बाहर है जो, है ना, डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये डी टी और ये भी क्या डी टी। तो जब इसका डी वाई डी एक्स कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है एक आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो कि अगर ये एफ एक्स हो, एफ एक्स का जो डी वाई डी एक्स होता है उसी के जस्ट बगल में आ जाए, एफ एक्स का डी वाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स जस्ट उसी के बगल में आ जाए और दोनों के बाहर से ई द पावर एक्स चल रहा हो, ठीक है ना, डी एक्स मतलब इस टाइप का कोई फॉर्म हो इंटीग्रेशन का, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ई द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, याद हो अगर ये आइडेंटिटी यही तो है, देखो इसका डी बाई डी एक्स बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बना दिया मैंने, देखो माइनस था ना, माइनस भी आ गया, इसका डी बाई डी एक्स का बिल्कुल यही बन गया और बाहर से क्या चल रहा है, ई द पावर एक्स चल रहा है, मतलब पूरे का पूरा टी में है तो ई द पावर टी चल रहा है ना, यहाँ पूरे का पूरा एक्स में है तो बाहर ई द पावर एक्स चल रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ई द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस वाले का रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स बताना, ई द पावर टी एफ टी मतलब जो गिवन फंक्शन था जिस फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन करा था, ई द पावर टी तो रहा इनटू ये वाला फंक्शन है ना, ई द पावर एक्स एफ एक्स था ना, एफ एक्स तो ये फंक्शन था बगल वाला, ये वाला फंक्शन क्या, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा अब रिप्लेस कर दो यार, ई द पावर टी को क्या माना था मैंने, एक्स माना था ना, ई द पावर टी को क्या माना था, एक्स माना था, तो इसको एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स इंटू वन अपॉन टी स्क्वायर, और टी को क्या माना था, टी को माना था लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है प्लस वन प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जेई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, नोट करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स था स्टूडेंट्स, जेई मीन्स 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, वेन एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या रहा एफ वन, एक्स की जगह पे अगर वन रखोगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है आपने, और जब एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो उसका रिजल्ट जीरो है, ठीक है, और फंक्शन ये है और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी है, ये इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर ये वैल्यू का यूज करके हम कुछ कॉन्स्टेंट निकालेंगे फिर एफ वन निकालेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या करें, ओके मैं यार स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रहा हूं, मैं वन से वन को ऐड कर रहा हूं, वन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो मैंने स्टूडेंट्स वन ऐड करा न्यूमरेटर में और वन कर दिया सब्ट्रैक्ट, और वन कर दिया सब्ट्रैक्ट, देख लो वन ऐड कर रखा, वन सब्ट्रैक्ट कर रखा, एडिशन यहां रख दिया, सब्ट्रैक्शन यहां रख दिया, एक्सट्रीम साइड्स है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर चली रहा है और ब्रैकेट के बाहर से देख लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चली रहा है, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, स्प्लिट कर रहे हैं इसलिए ऐसा करा, देखो मेरे को पता ना ये स्प्लिट हो रहा है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना इन दोनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स में माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये माइनस साइन कॉमन लेने से क्या हो गया, माइनस वन प्लस का बन गया और साइन स्क्वायर एक्स कैसा हो गया, माइनस का, और भाई स्प्लिटिंग तो चली रही है तो इसके साथ भी लिया और इसके साथ भी लेना पड़ेगा, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी ले लिया गया और ब्रैकेट के बाहर से क्या चल रहा है देख लो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो भाई ये तोड़ गया, ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया है और ये बन गया हमारा cosec स्क्वायर एक्स, ठीक। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये तो वन आ गया है ना, वन आ गया, कह दो या dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कह दो खाली dx आ गया, ऐसा कह दो, क्लियर है, फिलहाल कम करते वन ही आ गया कह देते हैं, वन आ गया, ब्रैकेट वन आ गया, माइनस यहां देखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स चल ही रहा है, तो मैं sec स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बताना sec स्क्वायर एक्स के साथ डी एक्स भी, हाँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस ये इंटीग्रेशन यहाँ भी चला जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ क्लियर है, ये कर दिया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एक्स क्योंकि डी एक्स अंदर आ गया इसलिए इंटीग्रेशन भी फिर शेयर करना पड़ेगा भाई, तो भाई देखो cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल आउट, और अब आपको पता है शायद कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, क्या होता है बताओ, tan x होता है माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन या फिर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कह दो, है ना, क्यों बात है, इसका इंटीग्रेशन भी आप लोग जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स x, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई tan x माइनस tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन हट गया तो एक कॉन्स्टेंट क्या आ गया c आ गया, ठीक है ओके okay. अब क्या रहा है f x की जगह अगर जीरो रखोगे तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है, तो f x की जगह अगर हम जीरो रखते हैं, x की जगह जीरो रखते हैं जहां जहां, तो उसका रिजल्ट जीरो आता है, तो यहां भी जीरो रखना पड़ेगा, tan इनवर्स x यहां भी जीरो रखना पड़ेगा प्लस c, और जैसे ही f x में जीरो रखा, f x में जीरो रखा तो f x की वैल्यू क्या आ जा रही है, क्या ना जीरो, तो f x तो भैया जीरो हो गया ओके, tan जीरो जीरो ही होता है, tan इनवर्स जीरो जीरो ही होता है प्लस c, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई स्टूडेंट्स, जीरो आ गई, कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई ओके, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो रख दो फिर, यहाँ कॉन्स्टेंट तो जीरो निकल गया, जीरो मतलब हटा दिया है ना, जीरो रख दिया यहाँ पे, अब कह रहा है एफ वन निकाल दो, अब रख दो एफ वन यहाँ, यहाँ रखो तो जरा एफ एक्स की जगह वन, तो एक्स की जगह वन माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह वन, और कॉन्स्टेंट तो जीरो ही था, तो एफ वन की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स वन को फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हम, टेन वन को, और टेन इनवर्स वन को क्या लिख सकते हैं हम, टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा ओनली पाई बाई फोर, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, टेन वन माइनस पाई बाई फोर, टेन वन माइनस पाई बाई फोर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है आपको समझ में आया होगा, होप की होप आपको समझ में आया होगा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ।